व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मेरे स्पोर्ट्स इवेंट का तीसरा दिन। अगर आपने सेकेंड डे नहीं देखा और फर्स्ट डे नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखना। तो आज है मेरा थर्ड तीसरा दिन और आज हम लोग की मैच है कॉम्स ए वर्सेस आईटी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और उसके बाद हम लोग के मैच होने के बाद क्वार्टर फाइनल्स भी होने वाले हैं। और हम लोग की 6:40 को मैच है, सेकेंडली मैच है, बट 6:40 को प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगी लगता है। अगर हुई तो अच्छा ही है, मैं तो 6 बजे ही उधर पहुंच जाऊंगा क्योंकि दूसरे लोगों का भी मैच देखना पड़ता है और उनसे सीखना पड़ता है कि एक्चुअल में कैसे खेला जाता है, तो वो सब चीज़ों का भी नॉलेज मिल जाता है वो लोग से। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 8:34 और अभी मैं जस्ट उठा हूँ। और मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस हमारे घर पे मेहमान है तो हॉल में सब लोग सोए हैं। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आज का भी व्लॉग बड़ा बनेगा क्योंकि हम लोग के दो दो मैचेस हैं। सबसे पहले मैं अभी हाथ पैर धो लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करता हूँ, तो आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता हूँ। गाइस एक बात बताना तो रह गई, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे घर पे मेहमान आए हैं, तो जितने भी मेहमान हैं सब हॉल में सोए और बेडरूम मेरा थोड़ा एम्प्टी है, मैं और पापा ही सोए थे बेडरूम में। तो हॉल मेरा पूरा मतलब भर चुका है, तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और अंदर बेड है और अंदर पापा भी सोए, तो मैं वहाँ पे भी स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो गाइज मैं बेड मैनेज कर लूँगा, और मुझे कैमरा रखने के लिए भी जगह नहीं है अंदर, तो दोनों साइड मतलब हॉल और बेडरूम में। तो मैं एक काम करता हूँ गाइज, मैं डायरेक्टली आपको ना नहाने नहा के फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्लॉग तो बड़ा बनने वाला है तो और मज़ा आएगा। और मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ सीधा नहा के फ्रेश होने के बाद। सो गाइज अभी फाइनली मैं नहा के हो चुका है जस्ट अभी, और अभी थोड़ी मेरी लेट मॉर्निंग हो गई है। और गाइज ये जो बाहर का आपको आवाज़ आ रहा है वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, तो उसको इग्नोर करो क्योंकि हमारे बाजू के मतलब हमारे बिल्डिंग के बाजू में कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है। तो गाइज अभी तो टाइम हुआ है 10:13, आज थोड़ा लेट मॉर्निंग हुआ है क्योंकि कल रात में खाना खाने के बाद मैं 1 बजे सोया था, तो इसकी वजह से आज 8 बजे उठा हूँ, तो जल्दी सब कुछ नहीं हो पाया। सबसे पहले प्रे करूंगा जैसे सेम रूटीन था। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखना और उसको भी लाइक करना अगर पसंद आया हो तो। आज डे 3 है स्पोर्ट्स इवेंट का और आज डे 3 में हम लोग का 2 मैच होने वाला है। फर्स्ट मैच अगर जीतने के बाद हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे और क्वार्टर फाइनल्स में भी जीतना है हम लोग को कुछ भी करके। बट अभी मैं सबसे पहले प्रे करूंगा, उसके बाद फिर चाय नाश्ता खाऊंगा और उसके बाद फिर आगे का जो कुछ भी काम है वो डायरेक्टली देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी प्रे कर लेता हूँ। तो गाइज फाइनली मेरा प्रे करके हो चुका है अभी जस्ट, और गाइज मैं अभी हॉल में आ चुका हूँ। हॉल में भी अभी अभी तक मतलब मेहमान सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा धीरे ही बात कर रहा हूँ। और गाइज ये है सामने वाला व्यू, जो टेरेस से मैंने आपको ये बिल्डिंग दिखाया था, इसके पीछे से मस्त सनसेट दिखता है और यहाँ से पूरा अच्छा दिखता है। मतलब अभी तो फोन बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि गलती से गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। गाइज जब ये बिल्डिंग का रिनोवेशन होगा उसके बाद गाइज ये बिल्डिंग 7 या फिर 8 फ्लोर्स की बन जाएगी, तो टावर बन जाएगा ऑलमोस्ट 11-10 टावर, तो पता नहीं मैंने मैक्स टू मैक्स 12 तक देखा है, शायद 8-9 बनेगा, 8-9 फ्लोर का बनेगा, इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है रिनोवेशन का। अभी सबसे पहले मैं नाश्ता करूंगा, मेरा प्रे करके तो हो चुका है तो अभी मैं फिलहाल नाश्ता करता हूँ। तो अभी मैं चाय पीऊंगा और चाय के साथ क्या खाना है वो पता नहीं, बट चाय रख देता हूँ यहाँ पे और देखते हैं खाने के लिए क्या है। बहुत सारे बनाना से बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे ऑरेंजेस है, तो मैं ऑरेंजेस कॉलेज में लेके जाऊंगा और बनाना भी लेके जाऊंगा। सो गाइस फाइनली अभी मेरा नाश्ता मतलब ब्रेड और चाय पी के हो चुका है, बट मम्मी ने मेरे लिए
कुछ अलग बनाया अभी नाश्ते के लिए, तो वो देखता हूँ। तो गाइज अभी फाइनली मेरा नाश्ता करके हो चुका है, बट मैं कल की जो ट्रेन पकड़ी थी 4:42 की, वो बहुत खाली थी और कल्याण से सीधा थाने फास्ट ट्रेन थी, बस वो डोंबिवली में रुकती है, तो वही ट्रेन में आज भी पकड़ूंगा। तो देखते हैं कैसा मेरा तैयारी होता है, 4 बजे तक 4 बजे तक रेडी होके खाना खाऊंगा और फिर सीधा निकलूंगा। तो गाइज मैं अभी, मेरा तो काम है, तो मैं आपको डायरेक्टली जब मैं रेडी होऊंगा तो डायरेक्टली मैं आपको तभी मिलता हूँ। तो गाइज अभी मेरा खाना खा के हो चुका है और मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा तैयारी करके फ्रेश होके। तो अभी मुझे निकलना है, अभी टाइम हुआ है 4:20 और मुझे कुछ भी करके कल्याण स्टेशन 10 मिनट में पहुंच के टिकट निकाल के फिर 4:42 की ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि वो बहुत खाली रहती है। तो सीधा मैं आपको ट्रेन में बैठने के बाद मिलता हूँ। सो गाइज अभी मैं फाइनली ट्रेन में बैठ चुका हूँ और जो व्लॉग के आगे का पार्ट है वो डायरेक्टली मैं कॉलेज में जाके कंटिन्यू करूंगा। पहले वाला टीम इतना वो नहीं था, लेकिन आज का थोड़ा इंटेंस गेम रहेगा, सबको भागना पड़ेगा, सब पूरा जान लगा, आज फुल कॉन्फिडेंट है। तो गाइज अभी मैं कल्याण से ठाणे आया और खाई खाई के मैं आया, मेरे को टिकट लेट मिला इस वजह से। तो कल्याण से ठाणे और ठाणे से नीरू लाया, तो मुझे बहुत खाई करना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मैच स्टार्ट हो गया, पर ऑलमोस्ट मैच स्टार्ट नहीं। गाइज पूरा इम्पोर्टेंट टीम डिस्कशन चालू है, तो कुछ बीच में बोल नहीं सकते। गाइज आज कुछ भी करके आईटी से जीतना है। और गाइस कुछ भी करके हम लोग को फाइनल जीतना ही है, और मेरा बहुत सारा आदमी इस पास हुआ, पता नहीं क्यों थोड़ा सा, बट स्टिल अभी देखेंगे, मैं अभी और अच्छा खेलने का ट्राई करूंगा। बट गाइस मेरे हिसाब से तो मेरा गेम 40% हुआ है, बट कुछ भी करके अभी मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही है सामने वाली टीम को, और हराना ही है गाइस कुछ भी करके। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, बट मुझे गेम इतना मजा नहीं आया गाइस। गाइस तो अभी बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है, हम लोग पेनल्टीज में हार चुके हैं, बट कोई बात नहीं, होता है, हम लोग का गोलकीपर इतना अच्छा था पर तो भी पेनल्टीज में हार चुके हैं। अभी आगे का देखते हैं क्या सीन चल रहा है। गाइस अगर जो लास्ट के 3 टीम्स है वो टीम्स में से अगर चीट में हम लोग आते हैं तो हम लोग ऊपर से ट्राई करेंगे मारने का, हम लोग जीतने का ट्राई करेंगे, बट अभी तक पेनल्टीज का कुछ सीन नहीं और चीट भी नहीं उड़ा है, तो चीट उड़ने के लिए हम लोग देखते हैं रुकते हैं और चीट कब उड़ता है वो देखते हैं। तो गाइज मैं आपको टीम डिस्कशन के बाद टीम फोटो के बाद डायरेक्टली मिलता हूँ। गाइज अभी टाइम हुआ है 10:31 और लास्ट ट्रेन है 11:41 की, और उसके पहले एक ट्रेन है 10:38 की, तो देखना पड़ेगा। और गाइज ये जो मैच है इसके बाद जो हारेगा वो, जो 3 टीम हारे हुए हैं उनके में चीट्स होगा, तो ये मैच के लिए मैं रुका हूँ, तो देखते हैं कि क्या सीन है। तो गाइज देखते हैं क्या सीन है। गाइस हम लोग इधर टाइम पास खेल रहे हैं इधर, और वो मैच में उधर, ए भाई संचित संचित पास 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 गाइस, और वो उधर मैच मेकेट्रॉनिक्स जीत चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार चुका है 2-0 से। अभी चीट्स उड़ाएंगे, देखते चीट्स का क्या सीन है। गाइस अभी यहाँ पे चीट्स उठाने वाले हैं, गाइस देखते हैं कॉम्स आना चाहिए अभी चीट्स में, हम लोग चीट्स में आए ही नहीं गाइस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अभी घर पे निकलेंगे, अभी टाइम हुआ है 10:46, अभी day 3 है, तो कल से सब इवेंट चालू होगा। तो गाइज मैं आपको डायरेक्टली स्टेशन पे मिलता हूँ। गाइज हम लोग को फाइनली ट्रेन मिल चुकी है और मैं सानपाड़े से ट्रेन पकड़ी है, तो गाइज देखते हैं अभी कितने बजे घर पे पहुँचते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको ठाणे ही मिलूंगा, अभी मूड भी थोड़ा ख़राब है, हम लोग को जीतना चाहिए पर हम लोग नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं बताएं, और क्या बोलते हैं चीट में भी हम लोग का नहीं है, तो स्टिल देखते हैं अभी आगे का क्या सीन है। अभी तो ऑलमोस्ट वोटिंग ख़त्म हो गया, कल फुटबॉल का फाइनल मैच देखने आना पड़ेगा, शायद आया तो आऊँगा वरना नहीं आऊँगा, एक पूरा कंटेंट बन जाएगा। तो गाइज मैं अभी डायरेक्टली, गाइज मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली खाने में मिलता हूँ। गाइज
हम लोग को सच में भाई सच में। सो गाइस हम लोग अभी थाने स्टेशन आ चुके हैं और थाने स्टेशन पे मैंने वड़ा पाव लिया खाने के लिए, बहुत भूख लगा था इसके वजह से। तो अभी थाने स्टेशन से कल्याण जाएंगे, कल्याण फास्ट ट्रेन है तो उसके लिए रुकते हैं। फाइनली कल्याण पहुंच चुका और अभी टाइम हुआ है 12:30। आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी सीधा घर पे जाऊंगा और उसके बाद फिर नहा के फ्रेश होके फिर खाना खाऊंगा। तो गाइस अभी मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि घर पे सब सोए हुए हैं। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 12:45, अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ। तो अभी मैं खाना खाऊंगा और गाइस बहुत मतलब खराब लग रहा है कि इतना पेनल्टीज में हारे हम लोग का, स्ट्रॉन्ग टीम होके भी पेनल्टीज में हारे हम लोग। कोई बात नहीं, वैसे बड़ा बड़ा टीम्स भी पेनल्टीज में हारते हैं। तो गाइस मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।